प्रतिभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। द्वितीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के संदर्भ में अभिव्यक्ति दूंगी। मेरा आज का विषय आर्थिक भूगोल का अर्थ, विषय क्षेत्र एवं उद्देश्य है। भौगोलिक अध्ययन का शिरोमणि मनुष्य है, जो कि पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति से सतत रूप से प्रतिक्रिया करता रहता है। वह अपनी क्षमताओं, बुद्धि एवं कला कौशल द्वारा अपनी आवश्यकताओं एवं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना हेतु अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करता रहता है, जिन्हें हम आर्थिक क्रियाकलाप की श्रेणी में रखते हैं। और इन्हीं सबका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल भूतल पर मनुष्य की इन्हीं गतिविधियों का अध्ययन करता है, जिसके विभिन्न पक्ष निम्न प्रकार से हैं। पहला, आर्थिक गतिविधियों की क्षेत्रीय भिन्नता। पूरे विश्व में ये प्राकृतिक दशाएं पूर्ण रूप से भिन्न पाई जाती हैं, अतः गतिविधियां भी मनुष्य के द्वारा की गई गतिविधियों में भी पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। दूसरा, उनकी विशेषता। जैसे हम उदाहरण पर लें, कहीं पर कृषि का कार्य, कहीं पर खनन इत्यादि किए जाते हैं, तो कृषि का भी स्वरूप हमें भिन्न भागों में अलग अलग स्वरूप में देखने को मिलता है, जिसके विषय में हमने अभी चर्चा की, उनकी विशेषता। तीसरा, उनका स्थानिक वितरण। जो स्वरूप इन गतिविधियों का है विश्व के भिन्न भागों में, वो समान मात्रा में और समान क्षेत्रफल तक नहीं देखने को मिलता है, तथा इस स्थानिक वितरण का अध्ययन भी इस विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा नंबर, गतिविधियों के अंतर संबंधों का अध्ययन। कोई भी प्रकृति में पाया जाने वाला तत्व जिसके संदर्भ में मनुष्य क्रियाकलाप कर रहा है, तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसका अनेकों तत्वों से संबंध होता है। जैसे अगर हम कृषि की बात करें, तो उसका जलवायु, जलवायु की सारी दशाएं, मृदा और मनुष्य की गतिविधियों से भी संबंध होता है। इन सब का अंतर संबंध भी इसमें ज्ञात करना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। पांचवा, आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसा कि मनुष्य, प्रकृति ही केवल मनुष्य के क्रियाकलापों को निर्धारित नहीं करती, अपितु मनुष्य भी प्रकृति में हस्तक्षेप करता रहता है, तो इनका पारस्परिक जो क्रियान्वयन है या प्रभाव है, उसका अध्ययन किया जाना भी इसमें महत्वपूर्ण है। जितने भी मनुष्य के द्वारा किए गए आर्थिक क्रियाकलाप हैं, तो उनका प्रतिफल हमें तीन रूपों में देखने को मिलता है, उत्पादन, विनिमय, उपभोग। अब यदि हम उत्पादन की बात करें, तो इसमें पांच क्रियाओं में विभाजित कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचमक। प्राथमिक की यदि हम बात करें, तो प्रकृति से प्राप्त जितने भी तत्व हैं, उनका जब सामान्य प्रयास द्वारा मनुष्य उनके सामान्य प्रयासों द्वारा उन्हें प्राप्त करने के जो मनुष्य जब उन्हें सामान्य तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसे हम प्राथमिक में कहेंगे। उदाहरण के लिए कृषि, मत्स्य खेट, एकत्रीकरण, पशुचारण आदि। द्वितीयक की जब हम बात करें, तो इसमें जो प्रकृति से प्राप्त तत्व हैं, उनका मशीनों एवं प्राविधियों द्वारा मूल्यवर्धन जब वो करता है, तो उसे हम द्वितीयक श्रेणी में रखेंगे, जिसके अंतर्गत उद्देश्यपरक कृषि,
पशुपालन, एवं उद्योग है। कहने का अभिप्राय है कि द्वितीयक क्रियाकलाप सामान्यतः मशीन एवं प्राविधि से संबंधित होते हैं। तृतीयक इसके अंतर्गत सेवाएं, परिवहन, एवं संचार को सम्मिलित किया जा सकता है, चतुर्थक में विभिन्न गतिविधियां जो कि वित्त से संबंधित, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा से संबंध रखती हैं। जबकि पंचमक के अंतर्गत हम उच्च स्तरीय सेवाएं जैसे प्रबंधन, सरकारी एवं प्रशासनिक सेवा, शोध आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। अब बात आती है विनिमय की। जहाँ तक विनिमय का संबंध है, इसमें परिवहन एवं वितरण सेवाएं सम्मिलित हैं। जहाँ हम वितरण और परिवहन की बात करते हैं, इसके अंतर्गत माल परिवहन, परस्पर संपर्क, दूर संचार सेवा, यातायात, खुदरा एवं थोक व्यापार, इन सभी को सम्मिलित कर सकते हैं। जहाँ उपभोग की बात आती है, वहाँ पर मनुष्य के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यापार, वस्तु एवं सेवा, इन तीनों के उपयोग की बात कही जा सकती है। व्यापार, वस्तु एवं सेवाएं, जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करें। तो ये अभी तक जो हमने कहा, उत्पादन, विनिमय, उपभोग या कोई भी गतिविधि जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, उसके विकास की ओर संकेत कर रही है, ये समूचा जो विषय था, ये आर्थिक भूगोल का ही महत्वपूर्ण विषय, आर्थिक भूगोल का ही केंद्र बिंदु है, आर्थिक भूगोल का स्वरूप निर्धारित करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र एवं उद्देश्य की। पहला, क्षेत्रीय भिन्नता ज्ञात करना। जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है कि जो मनुष्य की गतिविधियां हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उनमें पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, तो इन भिन्नताओं का बोध होना नितांत आवश्यक है, जिससे कि किसी भी तरह का कोई नियोजन किया जा सके या किसी भी पक्ष पर विचार किया जा सके। दूसरा, स्थानिक वितरण।
दूसरा है स्थानिक वितरण बोध। स्थानिक वितरण बोध में भी इन गतिविधियों का वितरण विश्व के भिन्न भागों में किस प्रकार से है, इसका बोध किया जाना नितांत आवश्यक है। तीसरा, संसाधन मूल्यांकन। अब जब हम संसाधन मूल्यांकन के विषय में बात करते हैं तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी, जल, जैविक संसाधन, शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, पशु इत्यादि, इन सब का मूल्यांकन इसलिए किया जाता है जिससे कि उनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके। विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए उनका पोषणीय विकास किया जा सके। अगला है मानवीय संसाधन का मात्राकरण एवं संभावना अनुमान। अब जब इसके विषय में हम बात करते हैं तो मानव संसाधन की मात्रा, उसका मनुष्य का वितरण विश्व भर में वितरण और उनके गुणात्मक पक्ष का ज्ञान करना भी नितांत आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसमें वितरण मनुष्य के वितरण स्वरूप और उसके गुणों को का बोध करने के पश्चात जो मूल उद्देश्य पूर्ण होता है वह है प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय विकास योजना का आधार। इसके मात्राकरण एवं संभावना मनुष्य संसाधन वितरण एवं गुणबोध द्वारा प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय विकास का आधार प्राप्त हो सके। अगला है कालिक भिन्नता ज्ञात करना। जैसा कि मनुष्य की गतिविधियों का अध्ययन करने वाला यह आर्थिक भूगोल है तो आदिकाल से वर्तमान तक इन मनुष्य के क्रियाकलापों में पर्याप्त भेद देखने को मिला है, तो इन कालिक भिन्नताओं का को ज्ञात करने के पश्चात कालिक भिन्नताओं बोध होने के पश्चात आगामी विकास की नीतियों का निर्धारण किया जा सकता है। अंततः आर्थिक भूगोल के उद्देश्य यह भी है कि सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रभाव
क्या हो रहा है, जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन हैं उनको किस तरह से सांस्कृतिक मनुष्य के रीति रिवाज आदि कैसे प्रभावित करते हैं, इन सभी का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। ये आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है।